अस्सलामुअलैकुम, ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान। तो जानते हैं आज की अहम खबर। बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वफाकी वजीर दाखला शेख रशीद ने बड़ा और अहम ऐलान कर दिया, कल पूरे पाकिस्तान में योम एहतिसाल मनाया जाएगा। वफाकी वजीर दाखला शेख रशीद ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के 2 साल पूरे पाकिस्तान में योम एहतिसाल मनाने का बड़ा और अहम ऐलान कर दिया, कल पूरे पाकिस्तान में योम एहतिसाल मनाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मफाहमत और मज़ाहमत की जंग लड़ रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की तमाम दास्तानें इस वक्त ज़ाया हो चुकी हैं। शेख रशीद ने कहा कि इक्तदार के भूखे पोजिशन लीडर कौम से मतलूबा तारीफ नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त गैर मोसर पालसियों की वजह से मुतासिर हो चुकी है। शेख रशीद ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को देखना चाहिए, इस वक्त नून लीग की हुकूमत मफाहमत और मज़ाहमत की जंग लड़ रही है, इसलिए मजीद कहा कि इनकी तमाम दास्तानें ज़ाया हो चुकी हैं। कबला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद ये भी कहा कि सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन लगाना इस वक्त नुकसानदेह है और नुकसानदह साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत को वजीर आजम इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की तकलीद करनी चाहिए, जिसे दुनिया भर में आज पजीराई मिल रही है। कबला शेख रशीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन लगाना नुकसानदेह साबित हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान की बातों पर अमल करना चाहिए, इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की तकलीद करनी चाहिए, जिसे आज दुनिया भर में बेशुमार पजीराई मिल रही है। वजीर दाखला ने कहा कि कुछ कौमें और कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को चीन के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश में लगी हुई हैं। वज़ीर दाखला ने कहा कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान और चीन को ख़राब करने की साजिशों में मुलव्वस भी हैं। ताहम उन्होंने कहा कि ये अनासर अपने मज़मूम अज़ाय में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि पाक चीन ताल्लुकात हमेशा मजबूत रहेंगे और बुलंद रहेंगे। लेकिन आज की बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर की है। कल 5 अगस्त मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के 2 साल पूरे पाकिस्तान में योम एहतिसाल मनाया जाएगा और बड़ा और अहम ऐलान हो गया। जानने के लिए हर खबर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन का सहारा लेकर अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल करें। हमें इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।